जी तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको? वालेकुम, वेलकम टू किचन विद सारा। और आज मैं लेकर आई हूँ चिकन पोटैटो करी की रेसिपी, या आप यूँ कह लें चिकन आलू गोश्त की रेसिपी, चिकन आलू शोरबा गोश्त की रेसिपी, जो भी आप कह लें। हर घर में ये बनाई जाती है और बहुत ही पसंद की जाती है, तो मैंने सोचा आज मैं भी बना लूँ। काफ़ी दिन हो गए कि बनाई नहीं, तो जो चीज़ें चाहिए वो आपके सामने आप नोट कर लें। 1 kg मैंने चिकन ली है, बोनलेस चिकन है। 2 medium साइज़ के मैंने अनियन लिए हैं, जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है इस तरह। 2 medium साइज़ के टमाटर लिए हैं, उन्हें भी मैंने इस तरह काट लिया है। और 4 सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, 200 में काट लिया है। और 1 tablespoon मैंने गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 teaspoon मैंने जिंजर पेस्ट लिया है, और 1/2 teaspoon होगा ये भुना कुटा हुआ जीरा, और 1/4 cup ऑयल लिया है। ऑयल आप अपने हिसाब से लें, कुछ लोग ज़्यादा ऐड करते हैं और कुछ लोग कम। और फ्रेश धनिया लिया है, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, और खड़ा मसाला लिया है, बे लीफ लिया है एक, जिसे मैंने तोड़ कर इस तरह कर लिया है 4-5-6 सौ में। एक ग्रीन इलायची है, एक दालचीनी है जिसे मैंने तोड़ दिया है, और एक बड़ी इलायची है, लौंग है, ब्लैक ब्लैक पेपर है, बीच में थोड़ा सा जीरा है। अब आ जाएं स्पाइसेस की तरफ। आप तो मैंने लिया है 1 teaspoon रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर, और 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, और 1/2 teaspoon करी पाउडर, चिकन करी पाउडर लिया है मैंने। 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर लिए, 1/2 teaspoon सॉल्ट लिया है। सॉल्ट टू टेस्ट लें आप, कम या ज़्यादा जितना मर्जी चाहें आप लें। और 2 pinch मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, और 1/2 teaspoon चाट मिस 1/2 teaspoon सॉरी गरम मसाला लिया है, और 2 pinch मैंने चाट मसाला लिया है। ये ऑप्शनल है, चाट मसाला आप लें या ना लें ये आपकी मर्जी है। और मैंने योगर्ट लिया है, ये देखें तकरीबन 1 cup है ये। 3% मैंने इन्हें बॉईल कर लिया है। 3 आलू लिए हैं मैंने, आप चाहें तो साथ ही आप पका लें, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है कि 30% आप बॉयल कर लें आलूओं को। अभी मैं इसे पानी में ही रहने दूंगी कि इनका कलर ना चेंज हो जाए। और अब हम आएंगे, चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। चिकन को कैसे धोया जाता है अगर आप कहें तो वो रेसिपी भी मैं दे दूंगी। दही ऐड करेंगे, अगर आप चाहें तो आप दही स्किप कर दें। इससे ये होगा कि ज़रा चिकन टेस्टी बनेगा और ग्रेवी सी बन जाएगी थोड़ी सी। अब सारे स्पाइसेस जाएंगे साथ ही, अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा। अच्छे से मैरिनेशन करेंगे हम इसकी, और इसको हम सिर्फ तब तक रखेंगे जब तक हम गोल्डन ब्राउन प्याज को फ्राई ना कर लें। साथ ही मैं टमाटर को ऐड करूंगी और थोड़ा सा उन्हें कुक कर लूंगी, फिर मैं ये ऐड करूंगी। तब तक के लिए चिकन पड़ा रहेगा।
इससे ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी। आप सिंपल से भी बना सकते हैं, टमाटर प्याज को डाल के उसके बाद चिकन को ऐड करें। जब चिकन कुक हो जाए थोड़ा सा, तो फिर आलूओं को बॉईल किए हुए आलूओं को आप ऐड कर दें और थोड़ा सा 10-15 मिनट पानी लगा के भूनें, दम दे दें। आपका चिकन आलू शोरबा रेडी, या आप चिकन पोटैटो करी बोलें, जो मर्जी बोलें, ये आपकी रेडी हो जाएगी। ये हो गया, अब मैं इसे रखूंगी। 5 मिनट लग जाएंगे प्याज ब्राउन करते हुए, भूनते हुए। ऑयल कम या ज्यादा आप लोग अपनी मर्जी से ऐड करें। कुछ लोग तरी ज्यादा खाते हैं, तरी सी नजर आए चिकन के आलू के ऊपर, शोरबे के ऊपर, तो वो बहुत मज़े की लगती है। अब प्याज, सॉरी, डालना तो पहले खड़ा मसाला था, मैं भूल गई, कोई बात नहीं, हम अब डाल लेंगे। खाना ही हमने खुद है, बनाना भी हमने खुद ही है, तो कोई मसला नहीं। आप पहले डालिएगा, पाँच मिनट लगेंगे इन्हें ब्राउन होने में, मीडियम फ्लेम है, तो 5 मिनट बाद मिलेंगे। टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं तकरीबन 6 मिनट बाद, 6 मिनट में फ्राई हो गए चाहिए हैं। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि खड़े मसाले को ऑयल में ऐड करते हैं, उसके बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देते हैं और अनियन को लहदा से फ्राई करके निकाल के हाथों से मसल के क्रश कर लेते हैं और लास्ट में ऐड करते हैं अनियन। हर किसी की अपनी रेसिपी है, आपको जिस तरह लगे आप उस तरह कीजिए। चिकन मैंने ऐड कर दिया, अब इसे मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं चिकन को। देखें, अगर आपको मसाले ज़्यादा लग रहे हैं तो आप कम डालिएगा, और अगर आपको कम लग रहे हैं तो आप ज़्यादा डालिएगा। अब मीडियम फ्लेम करेंगे,
और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे हम। लहसुन अदरक अच्छी तरह से भुन जाए चिकन के साथ ही, कच्चापन ख़त्म हो जाए उसका। ये हर घर की डिश है, फेवरेट डिश है, तो आप इसे पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूंगी 5 मिनट, 5 मिनट बाद मिलते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, ये देखें चिकन तकरीबन कुक हो गया है। बाकी का जो रहता है वो हम आलू डाल के करेंगे। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम करके थोड़ा सा भून लूँगी, साथ ही आलू ऐड करूँगी। आप चाहें तो छोटे पीसेस कर लें, मैंने बॉयल किए हैं 30%। अब भुनाई करेंगे थोड़ी सी, थोड़ा सा पानी ऐड करके। बिना कवर किए अब मैं थोड़ा सा कुक करूंगी। ये देखें आप, अच्छे से भुनाई हो गई है अब चिकन की। ये देखें चिकन भी ऑलरेडी कुक हो गया है। जो कसर रहती है वो आलू के साथ पूरी हो जाएगी, क्योंकि आलू थोड़ा टाइम लेंगे। तो अब हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये शोरबे वाला सालन है, तो इसलिए हम पानी अब ऐड करेंगे। पानी आप जितना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं, जितना आपको शोरबा चाहिए आप उसी हिसाब से ऐड करें। मैं 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। चलें जी, अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम कवर करके पकाएंगे। बीच में चम्मच चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे। अब आप देख लें अपना कितना शोरबा रखना है। मैं थोड़ा अब इसे और कुक करूंगी। ये देखें 5 मिनट और लगे हैं। ये देखें चिकन कड़ी रेडी है, चिकन आलू शोरबा रेडी है। ये देखें अब हम ऐड करेंगे सब्ज मिर्च, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा, और सब्ज धनिया,
मुझे सबज धनिया ज़्यादा डालना अच्छा लगता है शोभे वाले सालन में। ये देखें ये तकरीबन अब रेडी है। शोरबा कम या ज़्यादा अब आप अपने हिसाब से रखें। ये देखें देखने में भी अच्छा लग रहा है, जब आप बनाएंगे खाएंगे तो आपको पता चलेगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो अब ये रेडी है। अब मैं इसे सर्व करूंगी। जी तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको चिकन पोटैटो करी एंड चिकन आलू शोरबे का सालन? ज़रूर ट्राई कीजिएगा और किचन विसारा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।